बाइक का लगभग आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 1,23,700 रुपीज। बहुत जल्दी मैं फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर का मतलब सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आई एम सौरभ एंड यू वॉचिंग सौरभ व्लॉग्स। तो गाइज, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं एज ए रोज़ाना बाइक रिलेटेड रिव्यू एंड बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ दिस पल्सर 150 ट्विन डिक्स VS6 वर्सन। तो गाड़ी का अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको एक विंडशील्ड मिल जाता है, और इधर फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलता है, और दो पायलट लैंप दिया हुआ है, और इधर जो इंडिकेटर है ये बल्ब इंडिकेटर है। मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ, जो इंडिकेटर है बल्ब इंडिकेटर है। फ्रंट में आपको कोई भी LED नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाता है मडगार्ड के ऊपर, एंड यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और नीचे डिस्क की अगर बात करें तो लगभग 280 mm का यहाँ पर डिस्क मिल जाता है विथ ABS के साथ। ये गाड़ी सिंगल चैनल ABS के साथ आता है, एंड यहाँ पर बोथ साइड रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और इसका टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यूरो ग्रिप का टायर आता है, और सेक्शन जो है 90x90 17 inches एलॉय व्हील के साथ आता है। और इधर एक तो रेड स्ट्रिप दिया हुआ है। इधर आपको लगभग 15 liter का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो टैंक कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया है। इधर आपको एक पूरा H शेप का ग्राफिक्स मिल जाता है। और इस गाड़ी का टोटल दो कलर आता है, एक है रेड कलर और एक है ब्लू कलर। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 149.5 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, लगभग इसमें आपको 40 EPS का DSP मिल जाता है, एंड 13.25 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और इस गाड़ी फुल्ली फ्यूल इंजेक्टेड है, एंड बजाज ने DTSI इंजन इसमें प्रोवाइड कर रहा है विद ट्विन स्पार्क प्लग। ओके, और इधर आप लोग देख सकते हैं कैट कन्वर्टर दिया हुआ है, कैथोलिटिक कन्वर्टर, एंड यहाँ पर O2 सेंसर दिया हुआ है। और इधर एक तो इंजन गार्ड भी आपको मिल रहा है फाइबर का जो बना है, और इधर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, राइडर का फुट पैक, पिलियन का फुट पैक, और एग्जॉस्ट का जो साउंड है काफ़ी अच्छा है, मैं आगे एग्जॉस्ट का साउंड सुना दूंगा। और इधर आपको 230 mm का डिस्क मिल जाता है विथ RLP सेंसर, और बॉक्स का टिक स्विंगम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसका जो पीछे का जो टायर है यूरो ग्रिप का टायर है, 120x80 17 inches एलॉय व्हील। और इधर आपको ट्विन नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है जो एंड्योरेंस का आता है। और इधर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, और जो कुशन है सीट का काफ़ी अच्छा है सीट का कुशन। और पिलियन का जो सीट है तो काफ़ी चौड़ा है, और राइडर का जो सीट है वो भी काफ़ी चौड़ा है। यहाँ पर आपको एक स्पोर्टी मतलब 220 पल्सर 180 के तरफ एक स्पोर्टी ग्रैब ग्रिल मिल जाता है, 150 का बैजिंग किया हुआ है। और इधर जो थोड़ा सा कार्बन फाइबर जैसा फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और पीछे टेल लाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फुल्ली LED टेल लाइट मिलता है,
जो पल्सर का पेटेंट जो टेल लाइट सबसे ये पीछे से ये लुक से एकदम मालूम चलता है कि ये पल्सर ही है। और इधर जो इंडिकेटर है ये तो बल्ब इंडिकेटर है, बोथ आर फ्लेक्सिबल। और नीचे में आपको नंबर प्लेट का लाइट मिल जाता है, BS6 का बैजिंग है, इधर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बड़ा मडगार्ड है। पीछे का टायर भी काफ़ी चौड़ा है। और इधर आपको ओपन साइड चेन सेटअप मिल जाता है, लगभग आपको 500 to 600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। और इधर आपको 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है ये इंजन, एंड आपको साइड स्टैंड भी मिलता है और सेंटर स्टैंड भी आपको मिलता है, दोनों स्टैंड ही आपको मिलता है। और इस गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी है लगभग 45 to 50 का आपको एवरेज इस गाड़ी से मिल जाता है। लोकल में आपको 45 दे देगा, लॉन्ग में आपको 50 तो दे देगा ये गाड़ी। और यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात करें तो फीचर्स बहुत ही है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एनालॉग RPM मीटर मिल जाता है, इंजन माल फंक्शन का इंडिकेटर, इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। ये जो कंपार्टमेंट है फुली डिजिटल है, यहाँ पर स्पीडोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड अगर पड़ा रहेगा, अब गाड़ी स्टार्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर शो करेगा साइड स्टैंड। इधर बैटरी का अगर लो बैटरी तो यहाँ पर शो करेगा। ओडोमीटर यहाँ पर दो ट्रिप मीटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2। ओके, इधर आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिल जाता है, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम और ABS, सिंगल चैनल ABS है। पीछे हमको कोई भी ABS नहीं मिलता है, ओनली फ्रंट टायर में आप फ्रंट व्हील में आपको ABS मिलेगा। और हैंडल बार में आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल जाता है। BS4 से तो रूल्स के हिसाब से लाइट ऑन ऑफ का स्विच बंद कर दिया है हर कंपनी ने। और यहाँ पर आपको सेल्फ बटन मिल जाता है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न तो काफ़ी लाउड है। पल्सर का पेटेंट ट्विन हॉर्न, एक मेल और एक फीमेल। और इधर आपको डीपर का स्विच मिल जाता है, और इधर आप देख सकते हैं हैलोजन लाइट के साथ आता है। और मैं एक बार गाड़ी का एक बार साउंड सुना देता हूँ, उसके पहले एक बार बोल दूँ इसका जो मिरर है, मिरर तो आपको अच्छा खासा वाइड है। तो आप लोग साउंड सुन सकते हैं, काफी बेस वाला साउंड है 150cc के मामले में। और गाइस इस बाइक का लगभग आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 1,23,700 रुपीस, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, लगभग प्राइस पड़ेगा 1,23,700 रुपीस। मैं एक बार गाड़ी पे बैठ के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा हाइट से ये गाड़ी आपको लेना चाहिए। तो मेरा हाइट है 5'8", तो मेरा लगभग पूरा पैर जा रहा है, और पैर तो काफ़ी स्लिप कर रहा है, तो लगभग पूरा पैर मेरा जा रहा है। और इसका जो सीटिंग पोस्चर है तो आप लोग देख सकते हैं, आपको चुप के नहीं चलाना पड़ेगा, पल्सर जैसा है, आपको बिल्कुल हैंडल बार में बहुत ही कंफर्टेबली आप लोग राइड कर सकते हैं। तो लगभग गाइस आप लोग 5'4" भी अगर आपको हाइट होगा तो आराम से पल्सर को खरीद सकते हैं। आप बिना तकलीफ के आप सिटी टू सिटी ट्रैफिक में आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं। और इस गाड़ी का लगभग जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है टू सिटी राइड एंड थोड़ा वगैरह टूर करने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। और इस गाड़ी का जो वेट है 150kg गाड़ी का वेट है। तो मैं एक बार गाड़ी का नीचे से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी गाइस इस गाड़ी को जिसको लेना है तो नियरेस्ट आपका बजाज शोरूम में आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाड़ी का प्राइस तो बता दिया 1,23,700 रुपीज़। बाकी आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। बहुत जल्दी मैं फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर का मतलब
सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बाइक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए। और भी बाइक का आपको अगर KTM सुजुकी कोई भी गाड़ी देखना है तो मेरा चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है। तो गाइस ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी कोरोना टाइम चल रहा है, आप लोग सेफ रहे। और मास्क वैसे मैं मतलब नहीं लगा, मतलब वीडियो जब बोलता रहता हूँ तो बहुत तकलीफ होता है, इसलिए बस मास्क हटाया है। तो गाइस ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।